मिशन मूवमेंट है जो काफी लंबे समय से साथियों ये मिशन मूवमेंट चला आ रहा है। लेकिन साथियों हम लोगों को बीच बीच में कुछ लोग जो है गुमराह करते हैं और हमारे समाज के लोग मिशन मूवमेंट से भटक जाते हैं। हमारी विरोधी पार्टियां, हमारे विरोधी लोग जिन्होंने इस देश पे आके बाहर से आके कब्जा किया, वो लोग साथियों हमें जो है गुमराह करते हैं हमारे लोगों को, और हमारे लोगों को इस तरह से धोखा देते हैं, उनको जो है गुमराह करके कि भाई दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोगों बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया तो साथियों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी। लेकिन हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि जो खड्डा कहते हैं भाई खड्डे में जाएगा वोट, लेकिन मैं एक आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सड़क पे कोई खड्डा खोद दीजिए, अगर उसको आप जब तक नहीं भरोगे तब तक लोग उसमें गिरते रहेंगे, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, कोई मोटरसाइकिल टूटेगी, किसी की गाड़ी टूटेगी, लेकिन जब तक उस खड्डे को भरा नहीं जाएगा तब तक साथियों हमारा वो गड्ढा ठीक नहीं होने वाला है। ऐसे ही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप लोगों से अनुरोध करते हैं, आप लोग संकल्प लेके जाओगे इस बात का कि जो दिल्ली प्रदेश में खड्डा बना हुआ है उसको आप जो है इस बार 2019 के अंदर भर के मानोगे, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, अर्थात राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन साथियों सत्ता जो है वोट से मिलती है, वोट से जीत के जाता है, वो राजा कहलाता है, और राजा के हाथ में खजाने की चाबी होती है, पुलिस का डंडा होता है, जिस मर्जी को चाहे पैसे वाला बना दे, जिस मर्जी को चाहे जेल के अंदर बंद करा दे। आज वही हालत हो रही है साथियों, आज वही हालत हो रही है, हमारे लोगों के लोग पीछे पड़े हुए हैं, हमारे विरोधी लोग, हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब समय आने वाला है आपके पास। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है वो समाज कभी जो है राजनीतिक रूप से फल फूल नहीं सकता। आप लोग दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आए हो, आप लोगों से मैं आज निवेदन करूंगा, आप लोगों से संकल्प लेना होगा कि आप लोग जो है दिल्ली के कोने कोने में जाके अपने समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को ताकतवर बनाओगे। आप लोगों को दिल्ली के अंदर बहुजन समाज बनाना है, SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाना है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो साथियों हमें अपने वोट को इकट्ठा करना है, और 2019 में आने वाले समय में बहुत कम समय रह गया है आप लोगों के पास। अभी 2019 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए आप लोग अपने समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को तैयार करने में लग जाइए। माननीय साहब कहते थे हमें अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा, हम आप और इसमें जो है हमारा समाज जब तैयार हो जाएगा तो साथियों हम निश्चित रूप से सत्ता पे काबिज होंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ आज जो भी स्थिति बन रही है देश के अंदर, तमाम दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं, तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी कल जो न्यूज आई है जो 2007 से लेके 2012 के बीच लखनऊ के अंदर तमाम स्मारक जो माननीय बहन जी ने बनाए थे उनके भी ईडी के छापे कल से डालना शुरू किए हैं। लेकिन हम एक गारंटी लेते हैं, हम ये संकल्प लेते हैं हमारी बहन जी की कोई उंगली पकड़ेगा साथियों उसकी उंगली काट देंगे, और लेकिन हम किसी से चढ़ने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए साथियों और भी मेरे प्रभारी लोग हैं, आप लोगों को बताएंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा। और मैं इससे पहले आप लोगों को इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है बहन जी का जो आर्थिक सहयोग दिवस जो मनाया उस पर आप लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों ने जो है तन मन धन से उसमें सहयोग दिया। वो साथियों
उसके लिए मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अभी माननीय बहन जी का आदेश है और हमें पैसे की भी जरूरत है और अभी हमारे माननीय बहन जी ने जो टारगेट दिया है वो भी साथियों पूरा है। तो साथियों और भी मेरे सीनियर साथी आपको बताएंगे विस्तार से, बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जो झुकना नहीं जानते उन्हें इंसान कहते हैं, बदल दे जमाने को उसे मायावती काशीराम कहते हैं। जय हिंद जय भारत नमो उद्धार।